नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल स्टार इन्वेस्टर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा धमाकेदार आईपीओस जो कि वेरी शॉर्टली 2023 में आपको देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, आईपीओस की जब भी बात होती है तो पिछले 25-30 सालों में 90% से ज़्यादा आईपीओस ने लोगों को मालामाल किया है और धमाकेदार रिटर्न्स दी हैं। यही रीज़न है कि मार्केट में लोगों को क्रेज़ रहता है कि कब कोई आईपीओस आएगा और पैसा लगा के पैसा बना सकेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि डिस्काउंट प्राइसेस पे कंपनीज जो है अलॉटमेंट करती हैं और लोग इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है इनिशियल स्टेज पे पैसा कमाने का। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। सो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं आज के धमाकेदार आईपीओज़ के बारे में। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो 2023 में बड़े आईपीओज आ रहे हैं, इग्जीको और बायजूस का आईपीओज आपको वेरी शॉर्टली सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इग्जीको की अगर मैं डिटेल्स की बात करूं कि ये इस आईपीओ में खास बात क्या है और बायजूस में खास बात क्या है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इग्जीको एक इंडियन बेस्ड ट्रेवल एजेंसी है जो कि 2007 में लॉन्च हुई थी। इसके जो को फाउंडर हैं मिस्टर आलोक वाजपेयी और मिस्टर रजनीश कुमार, इनका हेडक्वार्टर गुड़गांव में लोकेटेड है। और दोस्तों, ये कंपनी डील्स करती है अपने यूजर्स को ट्रेवल ट्रेवल पैकेजेस और बुकिंग्स के लिए होटल्स, फ्लाइट्स, बस और ट्रेन्स। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि A1 स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने यूजर्स को। आज की डेट में इस कंपनी के मोर देन 255 मिलियन यूजर्स हैं, जिसमें कि 80 मिलियंस यूजर्स इनके पेड यूजर्स हैं, रेगुलर पेड यूजर्स हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो मोर देन 25,000 और ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर्स के साथ ये काम कर रही है। 1 बिलियन PNR जनरेट्स होते हैं एवरी मंथ इसकी वेबसाइट से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके 21 में मार्केट ने 83% का ग्रो अप किया मार्केट में CAGR की रिपोर्ट के हिसाब से। और आज की डेट में मार्केट की जो टोटल इसका मार्केट कैप है दैट इज 380 करोड़। तो 2019 में ये जो मार्केट कैप था इस कंपनी का वो 40 करोड़ के आसपास था। तो दोस्तों, 40 करोड़ से 380 करोड़ पे मार्केट कैप लेके आना और इतनी बुरी स्थिति, कोविड स्थिति में भी, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मुझे ये आईपीओ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। पार्टनरशिप में भी इस कंपनी के फ्लिपकार्ट फ्लाइट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के साथ टाई अप हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस इस कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है मार्केट में, और इसके बिग कंपिटिटर गो आईबो और मेक माई ट्रिप हैं। तो दोस्तों, बहुत एक्साइटेड आईपीओ लग रहा है और मे भी एक अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है ये आईपीओ। सेकेंड आईपीओस की अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो बायजूस, बायजूस का नाम तो सबने सुना ही होगा कि एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल कंपनी है जिसके कि को फाउंडर मिस्टर बायजू रविंद्रानंदन है। तो बायजूस आज की डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट प्रेफर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके टोटल यूजर्स की बात करूं तो 115 मिलियन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, और 3.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर हैं बायजूस के साथ। और दोस्तों, इन्होंने 2015 में अपना मार्केट ऐप लॉन्च किया था और हाईली पर्सनलाइज और इफेक्टिव प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये IIT, JEE, NEET और कैट जैसे IAS एग्जाम जैसे भी स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, 500 से ज़्यादा ट्यूशन सेंटर हैं अक्रॉस 200 सिटीज में बायजूस के, और नॉट इन इंडिया, इवन अब्रॉड भी इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, और ब्रॉडली भी ये बायजूस एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, मार्केट कैप की बात करूं, तो बायजूस का जो मार्केट कैप है टोटल दैट इज 22 बिलियन US डॉलर, जो कि अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है।
तो दोस्तों दोनों ही IPOs मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं पैसा लगाने के लिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।